आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सर, एक औरत आपसे मिलना चाहती। कौन? बुलाओ। चला जाओ बीबी। हाँ बोलो, क्या काम? मुझे एक एतराफ करना है। तुमने कोई जुर्म किया? हाँ। दिनो, अमीना को बुला के लाओ। जी सर। बैठो। जी सर। इसका बयान लिखो। जी। हाँ बीबी बोलो। मैंने अपने 4 बच्चों को मार दिया। आगे बोलो। बहुत भरा भरा हंसता बोलता घर आना था मेरा। हर तरफ से बच्चों की आवाजें, शोर। एक दो तीन, तीनों तुम्हारी गुट अंदर। मैं जीतने वाला हूँ। अब मैं जीत रहा हूँ, सही है? अस्सलाम वालेकुम। अब्बा, आज क्या लेकर है? अरे भाई, ना सलाम ना दुआ, ना गीतों की तरह टूट पड़े। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो मैं क्या लाया। अरे कम वक्त तो प्लेट में तो निकाल लो। कितनी बार कहा है ये चील कब्बों की तरह ना झपटा करो खाने पीने की चीजों को। अरे रहने दो भाई, चीज है कितनी जो वो एहतमाम करें। सारा जो चैन लेने दें तुम्हें ये बच्चे। कोई बात नहीं रसिया, इनकी शक्लें देखकर तो मेरी दिन भर की थकन उतर जाती है। जमाने भर के भूखे बच्चे, रोज कुछ ना कुछ बाप लेकर आता है, फिर भी नदीदेपन का ये हाल है। मैं क्या लाता हूँ? 20-25 रुपए की मूंगफलियां, कुछ टॉफियां, कभी 6 केले और आज ये पाव भर नमक पर है। तो क्या जरूरत है रोज रोज ये सब लाने की? अब्बा अब्बा, अहमद भाई ने सारे नमक पर खा लिए, मुझे सिर्फ 3 दिए। अब्बा ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने तुम सबको दिए थे, अकेले तो नहीं खाए? नहीं, बस आप लोग चीखो नहीं, बाहर आवाज जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि कितने नदीदे बच्चे हैं। देख लिया अपने बच्चों का हाल, रोज कुछ ना कुछ लाकर देते हो फिर भी ये हाल है। आप इधर आइए, आपको और नमक पारे खाने? मुझे भी खाने। अब्बा मैं भी खाऊंगा। ठीक है, मैं और लाके दे दूं। आप लोगों ने लड़ाई नहीं करनी लेकिन, सही है? चलो जाओ जाओ, जाके खेलो जाओ। अम्मा को तो रोज बहाना ही चाहिए होता है मारने का डांटने का, बिल्कुल सौतेली माँ की तरह। तो क्या अम्मा सौतेली है? हाँ तो सगी माँ की तरह डांटती है। सौतेली माँ को हर वक्त मौका चाहिए होता है डांटने का, लेकिन हम सबसे इतना प्यार भी तो करती हैं। हाँ प्यार कभी कभार कर लेती है, मुझे ज्यादातर तो डांटती है ना। हो गया, अब आहिस्ता बोलो, अगर अम्मा सुन लेंगी ना तो उनको कितना अफसोस होगा। अफसोस क्या होगा, हमारी चमड़ी उतारेंगी। और नहीं तो क्या? तुम लोग कभी शरारते भी तो देखो, तुम लोग कभी चैन से बैठते ही नहीं हो। तुम तो चुप ही रहो अम्मा की चमची, तुम्हें कुछ कहती ही नहीं है ना, इसलिए हवा को उनकी हिमायत करती रहती हो। हाँ क्योंकि मैं ना तुम लोगों की तरह बदतमीजी नहीं करती। एक तुम ही तो हो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी। यही भरती है अम्मा को हमारे खिलाफ। इल्जाम ना लगाओ मुझ पे, मैं अम्मा से कुछ नहीं कहती। अच्छा नहीं लगाते। अब्बा भी तो है, वो कुछ क्यों नहीं कहते?
अब्बा तो बहुत अच्छे हैं, वो तो खुद अम्मी को समझा रहे होंगे। बच्चों पर इतनी सख्ती नहीं करते कि वो बिदक जाएं। अरे रहने दो, तुम्हें क्या पता, तुम तो सारा दिन बाहर ऐश करते हो। मैं यहाँ पर पांच के पांच आफत के परकाले मेरी नाक में दम करके रखते हैं। मैं बाहर ऐश करता हूँ? और नहीं तो क्या, तुम तो सुबह निकलते हो रात में आते हो, उसके बाद नहाया खाया पिया और बिस्तर पर। मैं पूरा दिन इन शैतानों के पीछे भाग भाग कर हलकान हो जाती हूँ। बुरी बात है, बच्चों को शैतान नहीं कहते, शैतान नहीं शरारती। अल्लाह बख्शे, अम्मा बताती थी कि मैं भी बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। कुम्हारी अम्मा के ना दो थे, यहाँ पर तो पांच के पांच हैं। नजर ना लगे मेरे बच्चों को, उन घरों को जाकर देखो जहाँ बच्चे ना होने से सन्नाटा बोलता है, वो लोग तरसते हैं बच्चों की आवाजों के लिए। हाँ, और इस उजाले के चक्कर में चाहे बीवी की बत्ती गुल हो जाए। अल्लाह ना करे कैसी बातें करती हो, कोई घड़ी कबूलियत की भी होती है। तुम्हें जरा नहीं ख्याल आया मेरी सेहत के बारे में, एक के बाद एक बच्चा, सारी जान निकाल ली इन बच्चों ने मेरी। अब तो स्टॉप लग गया है, फहद 5 साल का होने वाला है। हाँ, और अब सोचना भी नहीं बच्चे के बारे में। कैसी होती थी मैं और अब कैसी हो गई, हल्के पड़ गए आंखों के नीचे, इतने से बाल रह गए मेरे। रहने दो, 10-10 बच्चों की अम्माओं को मैंने ऐसा स्मार्ट देखा है। किन माओं को देख लिया तुमने? अब मेरी मजाल के मैं तुम्हारे होते हुए किसी और को देखूं? रहने दो, जानती हूँ मैं तुम मर्दों को, दूसरों की बीवियां अच्छी लगती हैं और अपनी बीवी में ऐब नजर आते हैं। मैंने तुम्हें कब ताना दिया, तुम तो खुद ही कहे जा रही हो। बात है अम्मा, आके तुम सबको सुधार देंगी। नहीं आती अम्मा, रहने दो, सो गई होंगी। नहीं सुनोगे तुम लोग मेरी बात। अम्मा चुप करो, ये चीजें अपनी जगह पे क्यों नहीं रखते तुम लोग? पागल बनाकर रखती है मुझे, नाखून टूट गया मेरा। अम्मा ज्यादा लगी तो नहीं? परे हट, एक पल सुकून नहीं है इस घर में, जिंदगी अजाब बना कर रखती है मेरी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हूँ? सारा कमरा फैला हुआ है, चलने की जगह नहीं है, हर जगह चीजें फैली हुई हैं। समझाओ इनको, ऐसे बच्चे तो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। ना किया करो ना शुक्र, कहीं अल्लाह को बुरा लग गया तो। 1000 बार कहा है, कोई लम्हा कबूलियत का भी होता है। कोई कबूलियत का लम्हा नहीं होता, जान ले लेंगे किसी दिन ये मेरी, चार अजाब में की हुई है मेरी। मां को मत सताया करो, ये सब चीजें कपड़े समेटो बेटा, घर को साफ सुथरा रखते हैं, इतनी चीजें नहीं फैलाते। देखो उनको चोट भी लगी है। सॉरी अब्बा। बेटा इन सबसे कहो ये चीजें समेटे, कमरे को साफ रखें। जी अब्बा। देखा अम्मा को तुम सबकी वजह से चोट लग गई, मना भी किया था है ना, चलो उठो समेटो सब। क्या कर रही हो? मैं अरसे से तुम्हें कह रही हूँ कि घर की मरम्मत करवा लो, बारिशों में छत टपकती है, मगर तुम हो कि हर वक्त कह देते हो कुछ करता हूँ करता हूँ।
रजिया रजिया तुम तो जानती होगे मैं कमाता ही कितना हूँ। सारे पैसे घर के अखराजात पूरे करने में ही खत्म हो जाते हैं, बल्कि तुम्हें तो उल्टा मेरा हाथ बटाना चाहिए। जानती हूँ, इसीलिए तुमसे छुपकर कमेटी डाली हुई है, 2 महीने के बाद मिल जाएगी। हैं? अरे वाह क्या बात है, दे ताली। अच्छा चलो जाओ जल्दी से जाके बच्चों का नाश्ता तैयार कर दो। कर रही हूँ अभी है वक्त। पराठा खाए ना? बस कर दो, खिला खिला के अपने जैसा बनाओगी क्या? बहुत मुश्किल से तुम्हें कंट्रोल करवाया था, वरना अच्छी खासी भैंस थी तुम। उड़ा ले बच्चों के सामने मेरा मजाक, खुद तो जैसे किसी ड्रामे का हीरो है ना। किसी हीरो से कम भी नहीं हूँ मैं, क्यों भाई? हाँ मेरा अब्बा हीरो है। चुप करके अपना नाश्ता खत्म करो और जल्दी करो, स्कूल का गेट ना बंद हो जाए। जी अम्मा, जल्दी नाश्ता खत्म करो। सबसे अच्छी बेटी ये है मेरी, बाकी तो सब निकम्मे। बच्चे बच्चे ही होते हैं, इन्हें इतनी सी उम्र में बुजुर्ग ना बनाओ। हाँ तो बच्चे भी ना शैतान की आंत ना हो। चलो चलो बच्चों जल्दी से नाश्ता खत्म करो, अगर स्कूल का गेट बंद हो गया ना तो अम्मा घर में घुसने नहीं देंगी। अब्बा ये बार पता है अम्मा ने गुस्से वाले क्यों है? अगर सुन लिया ना तो तुम लोग के साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। पता है अब्बा को भी अम्मा से डर लगता है। नहीं नहीं अब्बा को बिल्कुल डर नहीं लगता अम्मा से, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अच्छा चलो यार नाश्ता जल्दी खत्म करो, चलो चलो खत्म करो।